फाइनली गाइस एक और न्यू वीडियो के साथ हम लोग आ चुके हैं अपने चैनल टीएस दिनेश वाईटी में। कल हम लोग गाइस वीडियो नहीं डाल पाए थे जिसके कारण से आज सुबह सुबह जो है वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आज का वीडियो काफी मस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी जबरदस्त होने वाला है। तो सबसे पहले तो गाइस हमारे चैनल पे जितने बंदे न्यू हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे कर देना गाइस, ताकि जितने वीडियो लाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब में बिल्कुल पैसा लगता है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है आगे बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाने के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोग चाहते हो कि दिनेश भाई हमारा भी वीडियो आप अपने चैनल पे अपलोड करो, तो आप लोग डीएम कर सकते हो मैं इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नहीं तो फिर हमारे चैनल का अबाउट सेक्शन आप लोग देख सकते हो जाके, आप लोगों के लिए ज़्यादा जो है सो मददगार हो सकता है। अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो हमारे नाम के बहुत सारे बंदे आपको मैसेज करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का एक और फायदा कि भाई हम जितने भी वीडियो अपने चैनल पे लाते हैं उसका पोस्ट सबसे पहले इंस्टाग्राम पे डालते हैं और फेसबुक पेज पे भी डालते हैं। टीएस दिनेश वाईटी फेसबुक पेज है, आज मैं जो ऐसो लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसे भी जाके आप लोग फॉलो कर लेना। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले इवेंट्स जो कि काफी बढ़िया। ये कौन सा इवेंट आ गया यार, चलो देखते हैं जरा। तो यहाँ पे एकदम नया नया सा इवेंट आ रहा है, ठीक है। ये देखो भाई एकदम गजब सा यूनिक सा इवेंट है यहाँ पे गाइस। इमोट काफ़ी बढ़िया है और साथ ही साथ ये वाला न्यू जो है सो बंडल दिया हुआ है, एकदम गजब अजीब मस्त लग रहा है पूरा। जैसा भी एनिमेशन भाई क्या ही बोलूँ, ऐसा हो गया कि मतलब कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। ये हो गया, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते, उसके बाद प्रोफाइल जो है वो बीच या लास्ट में दिखा दूंगा, लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। तो इतने सारे पेट्स हैं जो कि यूजफुल हैं, ऐसी बात नहीं है। और कैरेक्टर की बात अगर हो ही रही है तो चलो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग सभी कैरेक्टर आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाते हैं जो सभी यूजफुल हैं। जो बंदे जो कैरेक्टर का यूज करते भाई वो जरूरी है कि होना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको वो देखने को मिल जा रहा है। अभी सबसे पहले हम लोग देखने वाले बंडल, तो यहाँ पे गई सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल जाता है व्हाइट चोटी, जो कि भाई बहुत सारे बंदों का फेवरेट है। उसी के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है ये सीजन 21 का ट्रैप ट्रिल जो एलीट पास के बंडल है वो है। साथ ही साथ गई यहाँ पे इनक्यूबेटर का सेकेंड टॉप यहाँ पे बंडल आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ गई सीजन 21 के टाइम जो आया था मिस्ट्री शॉप बंडल वो आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जा रहा है। साथ ही साथ गई यहाँ पे जो है सो स्कूल कैप्टन बंडल मिल जाता है, जिसका हेड भाई काफी सारे बंदों का फेवरेट है। एंड वही देखा जाए तो ये गई डार्क रूबी बंडल ये आपको देखने मिलता है। साथ ही साथ गई डॉक्टर सेनेटी बंडल कितने सारे बंदों का फेवरेट है तो ये आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे सर्फ राइडर बंडल ये भी है, और थोड़ा सा स्क्रॉल किया जाए तो इलीट पास वगैरह के बंडल आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप लोग ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे आर्टिक ब्लू बंडल ये आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है। इसका स्काप है, इसका बंडल है, काफ़ी बढ़िया और अमेजिंग लगता है, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो अभी तक नहीं किए हो। सनसर सेंटा म्यूटी का यहाँ पे ये व्हाइट वाला जो दाढ़ी है भाई अमेजिंग है, ठीक है। बहुत सारे बंदों का फेवरेट है, खासकर मेरा भी है, तो भाई ये काफ़ी बढ़िया और ज़बरदस्त है। एंड और स्क्रॉल किया जाए तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे ये भी इनक्यूबेटर का टॉप है, ये देख सकते हो, ये भी इनक्यूबेटर का टॉप आपको इस वीडियो पे देखने मिल जाता है। एंड ये गाइस इनक्यूबेटर का टॉप बनी ये आपको इस वीडियो पे देखने मिलता है। सीजन 13 रैम्पेज पेज वाला जो एलीट पास था उसका यहाँ पे बंडल आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ उसी के टाइम पे जो है सो ये सभी एलीट पास आए थे, ये सीजन 10 का है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया सीजन 10 के एलीट पास है, मतलब काफ़ी पुराना है, समझ सकते हो आप लोग। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग और भी एनिमेशंस भरे पड़े हैं। बंडल तो भाई काफ़ी ओपी ओपी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर बैक टू बैक बंडल्स दिखाए जाएँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टोटली जो है सो 482 यहाँ पे बंडल है टोटली, और भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके रखा हुआ है। बैक टू बैक एलीट पास के जो है सो बंडल आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। एंड सर्फ राइडर बंडल का ही हमारा फेवरेट है, ठीक है। इसका एनिमेशन सी बड़ा मस्त हुआ था, तो ये आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे एलीट पास देखा जाए ना तो बहुत सारे एलीट पास है, भले भी बोया पास चल रहा है, बट एलीट पास है जो कि पुराने होते हैं वो आप लोग को भी पता है, एकदम अच्छे से पता है। यहाँ पे आर्टिक ब्लू बंडल है एंड एक से एक बंडल है यहाँ पे देख सकते हो, ये है और यहाँ पे ये भी है, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। ये इनक्यूबेटर का टॉप है, बाकी ये देख सकते हो ये भी एलीट पास है, और यहाँ पे देख सकते हो ये इनक्यूबेटर का टॉप थर्ड है, इसको थर्ड बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो बंडल में कोई कमी नहीं है, पूरा का पूरा भरा पड़ा है, और पुराने पुराने हीरोइक के टी शर्ट्स हैं, जैसे आप लोग गाइस देख सकते हो सभी पुराने टी शर्ट्स हैं जितने हैं, ये सभी पुराने हैं। और ये भी है इनक्यूबेटर का जो भी टॉप था उसका लास्ट ये है, ठीक है। और बात करें इस सब इवेंट का है
जो कि देख सकते हो आप लोग, ये सभी स्टोर पे भी अभी फिलहाल अवेलेबल होगा मेरे ख्याल से। ये पुराने पुराने हीरोइक के टी शर्ट्स हैं, और ये गाइस देख सकते हो सीजन 11 का है, ये सीजन 10 का है, और गाइस यहाँ पे सीजन 9 का, और ये गाइस देख सकते हो सीजन 8 का गोल्ड का जैकेट है। मतलब बंदा पुराना है जो है सो सीजन 7-8 का प्लेयर है, वो तो आप लोग को जो है सो यहीं से पता चल गया होगा, ठीक है। बाकी टी शर्ट्स वगैरह तो भाई है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे टी शर्ट्स है, बाकी जर्सी वगैरह भी है। सीजन 7 का गाइस गोल्ड का जैकेट आपको इस वीडियो में देखने को मिल जा रहा है, और जर्सी भी 4-5 है भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो पैंट्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, सबसे बढ़िया तो ये पैंट्स है। उसके बाद जूते वगैरह भी काफ़ी ओपी हैं। ग्रीन क्रिमिनल जो रिटर्न आया हुआ था वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे भैया इसका लुक चेंज करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा लुक चेंज, ये मस्त लग रहा है ना, अब ये बढ़िया लग रहा है। अब देखने वाले इमोट्स, तो भाई यहाँ पे 49 इमोट्स हैं, जिसमें से कुछ इमोट परमानेंट नहीं है, जैसे यहाँ पे झंडा इमोट है, थ्रोन इमोट है, फ्लावर ऑफ लव है, उसके साथ यहाँ पे ये सब इमोट्स हैं। 3 इमोट्स हैं गाइस जो कि परमानेंट नहीं है, ठीक है, 3 इमोट हैं परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अमेजिंग है, लाजवाब, काफ़ी ज़बरदस्त है। इसका लेवल वगैरह भी भाई ने काफ़ी बढ़िया करके रखा हुआ है, तो आगे देखना है और भी काफ़ी बढ़िया। ये देख सकते हो यहाँ पे पुराने पुराने इमोट्स हैं, चिकन इमोट्स हैं, ये सब देख सकते हो। उसके बाद गाइस बैकपैक की बात करें तो हमारा और आपका बस एक ही फेवरेट है ये, इसके अलावा भाई यहाँ पे लूट बॉक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी अच्छी है, पैरासूट वगैरह गाइस आप लोग देख सकते हो, स्काईबोर्ड वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। बंदे लोग को चाहिए होता है कार की स्किन्स, हर गेम प्ले में भैया चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर आपको सब देखने को मिल जाता है इस वीडियो पर। उसके बाद पुराने अवतार बैनर, जैसे भाई सीजन 9 का हीरोइक का मेरे ख्याल से ये देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी पुराना पुराना अवतार बैनर है, सीजन 9 का हीरोइक का बैनर है, और बंदा कितना पुराना प्लेयर है वो तो हम लोग स्क्रॉल करेंगे सबसे नीचे बैनर से ही पता चलता है, क्योंकि जब भी बंदा स्टार्ट करता है गोल्ड वगैरह के बैनर तो भाई बंदे को मिलती है मिलती है, ठीक है। तो बंदा गाइस सीजन 7 का प्लेयर है जो कि देख सकते हो, और सीजन 8 का यहाँ पे आप लोग को बैनर देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आगे देखा जाए तो अदर ये स्टोन वगैरह आपको इस वीडियो पे देखने को मिलता है, ये बॉक्स वगैरह है, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, वेपन, तो यहाँ पे गाइस M4A1 की काफ़ी बढ़िया और लेजेंडरी वाली स्किल्स देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ब्लू फ्लेम ड्रैको AK, ये आपको लेवल 6 का मिल जाता है, अगर आप लोग इसे 7 करना चाहोगे, अगर इमोट आप लोग को चाहिए होगा तो यहाँ पे लेवल 7 भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो द फ्लेमिंग ड्रैगन है, उसी के साथ M40 घंट वाली ये जो है देखने मिलती है, लेकिन हमारा फेवरेट जो है वो ये वाली है, ठीक है। उसके बाद गाइस क्यूपिड स्कार आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है एंड लाजवाब है, साथ ही साथ ये भी है ग्रोजा की काफ़ी बढ़िया, डबल एटो फायर वाली ज़्यादा बेस्ट है, तो ये आप लोग जो है सो गेम प्ले के दौरान यूज कर सकते हो। ये गाइस फार्मस काफ़ी लेजेंडरी है, काफ़ी पुराना है, तो ये भी आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ गाइस एक्समेट इंक्यूबेटर का टॉप है, और भाई मेरा फेवरेट है, बहुत बढ़िया गेम प्ले होता है इससे, ठीक है, तो ये भी आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है। नहीं तो भाई ये वाली भी है, जब एक टाइम फ्री में स्पिन करने के लिए आया था तो ये मिला था सब लोग को, तो ये भी है। A94 की बात करें तो काफ़ी बढ़िया वाली इस वीडियो पर देखने को मिल जाती है, प्लाज्मा वगैरह देख सकते हो, ऑग भी काफ़ी ओपी है, एंड पाराफेल भी गेम प्ले में ज़्यादातर यूज किया जा रहा है, तो ये आपको इस वीडियो पर देखने को मिल रहा है। G36 तो भाई है। उसके बाद SKS आपको डबल डैमेज, डबल रेट ऑफ फायर, भाई फेवरेट तो हमारा ये है। SBD आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी मस्त है, और वुड पिकर भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो फटाफट कर लेना, क्योंकि भैया बैक टू बैक वीडियो हम लाते रहते हैं और आपके काम का चीज़ ही लाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके साथ M60 गाइस यहाँ पे ये डबल रेट ऑफ फायर की है, और ये क्या था, डबल डैमेज, तो भैया अपने अपने हिसाब से क्यूब कर सकते हो। साथ ही साथ ऑटो फायर की UMP है, कस्टम प्लेयर के लिए ज़्यादा बेस्ट है, भले ही पहले आया था ये वेपन रॉयल पे आया हुआ था, ठीक है, उसके बाद इसको जो है सो इवेंट में फ्री दिया गया, तो ये भी आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जा रहा है। बात करें MP5 की, तो यहाँ पे MP5 भी आपको काफ़ी बढ़िया वाली देखने मिलती है, बट भाई जो बेस्ट है वो बेस्ट है, ये बेस्ट है, ठीक है। VSS आपको काफ़ी बढ़िया वाली डबल एटो फायर वाली है, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई ज़्यादा बेटर होगा। पोकर MP40 है, इंक्यूबेटर का टॉप है, एंड ये भी पोकर है, डबल पोकर इस वीडियो पे है, साथ ही साथ मैकेनिकल है और न्यू ईयर है, तो ये सब है। उसके बाद अगर आगे देखा जाए तो P90 आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है, एंड वहीं गाइस देखा जाए तो थॉम्सन भी आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है। वेक्टर वगैरह भी गाइस आप लोग देख सकते हो, जो कि काफ़ी OP है, ये देख सकते हो। यहाँ पे शॉटगन की बात करें तो ईवो शॉटगन आपको लेवल 4 का इस वीडियो पे देखने को मिल जाता है, एंड ये भी है, मतलब ऑप्शंस भरे पड़े पूरे के पूरे। स्पास वगैरह तो भाई है। उसके साथ गाइस एमिटेड 7 ट्रॉपिकल पेरोड वाली, जो कि काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अमेजिंग है। उसके साथ यहाँ पे चार्जर बूस्टर देख सकते हो,
AWM गाइस काफ़ी ओपी है और काफ़ी लाजवाब भी है। उसके बाद यहाँ पे कार 98 है जो कि काफ़ी मस्त है। उसके बाद गाइस MA2 भी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ज़बरदस्त। उसके बाद अगर देखा जाए तो डेजर्ट वगैरह तो है ही, पेन भाई लेजेंडरी लेजेंडरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ पे बैट वगैरह की काफ़ी बढ़िया और ओपी स्किन्स हैं। कटाना लेजेंडरी है भाई, कितने हैं, 3, 2 कटाना लेजेंडरी है, 2 नॉर्मल्स हैं, तो भाई होनी चाहिए आधी आधी। उसके बाद फिस्ट की बात की जाए तो हमारा फिस्ट जो है फेवरेट है, फ्लेमिंग फिस्ट, और काफ़ी बढ़िया इसका लुक है ये है। एंड ग्लोवाल की बात करें तो छोटू ग्लोवाल आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जा रहा है। इसके अलावा और भी हैं, ऐसी बात नहीं है, टोटली 15 ग्लोवाल इस वीडियो पे है। और भाई काफ़ी लेजेंडरी वाली चीज़ है यहाँ पे ये क्रुसबू, जो कि काफ़ी पुराना है भाई, आप लोग को भी पता होगा, ठीक है। और हम लोग अब बात करने वाले प्रोफाइल की, जो कि भाई आज हम लास्ट में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो लेवल 76 है, जो कि कम नहीं होते, ठीक है। और ये हमारे चैनल का नाम है TS दिनेश YT। जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं अभी एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल का अबाउट सेक्शन चेकआउट कर सकते हो। एंड अपडेट वगैरह चाहिए कि भाई चैनल पे कौन सा वीडियो आ रहा है, तो आप लोग इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। साथ ही साथ हमारे नाम के बहुत सारे बंदे आपको मैसेज करेंगे, तो उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।